प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि अपनी निजी जिंदगी में, डेली लाइफ में इन 10 बातों को जरूर फॉलो करें, कहीं देर ना हो जाए। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी जिंदगी से वाकई में प्रेम करते हैं तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से ही बना है। समय धन से भी ज्यादा मूल्यवान है। प्रेम का असली अर्थ है विश्वास, समझदारी और सहानुभूति। प्रेम की बात सिर्फ शब्दों में नहीं कही जाती, वह दिल की गहराइयों में महसूस की जाती है, जो व्यक्ति को सब कुछ सहने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण स्वर्ग की तरह पॉजिटिव एनर्जी और प्रेम और एक दूसरे के सहयोग से भरा है, और ऐसा ही रहे। सफलता की कुंजी कहती है कि सहयोग की भावना हमेशा मन में बनी रहनी चाहिए। अपने आसपास यदि किसी को सहायता या सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए सदैव तैयार और तत्पर रहना चाहिए। सहयोग का अवसर प्राप्त होने पर इसे हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने घर को मंदिर की संज्ञा देते हुए कहा है कि जिस घर में परिवार के सभी लोग आपसी तालमेल में रहते हैं, उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है, तभी तो किसी को बुरी नजर नहीं लगती है, और वरना अगर प्रेम ना हो तो बुरी नजर लग जाती। इसीलिए ये छोटे छोटे टिप्स आप अपने जिंदगी में अपना लीजिए, आपके घर से सुख समृद्धि कभी नहीं जाएगी। पहला, घर में सुबह उठते ही कुछ देर के लिए डिवोशनल म्यूजिक जरूर सुने, एक शांत म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए। दूसरा, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, अगर गलती से भी पैर लग जाता है तो क्षमा मांगिए। तीसरा, अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन न करें, ऐसा करने से माइंड में बैड थॉट्स नहीं आते हैं। घर के मेन गेट पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति और एनवायरमेंट गंदा होता है। पांचवा, अपने घर में पूजा पाठ हमेशा सुबह 6 से 8 के बीच भूमि पर कुशल आसन बिछाकर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके रोज करना चाहिए। छठा, हमेशा घर में बनी हुई पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। सातवा, अपने घर के पूजा स्थान में सदैव जल से भरा एक कलश रखना चाहिए। आठवा, पूजा में उपयोग होने वाली धूप, आरती, दीप, हवन की अग्नि जैसे पवित्र के प्रतीक साधनों को कभी भी अपने मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। नौवा पॉइंट, घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ, जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो दाहिनी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह घर की महिला बनाएं, और सूर्यास्त के समय हर रोज घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें। और दसवां पॉइंट, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को हमेशा याद रखें। उनकी तस्वीर आपके घर में साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में होनी चाहिए, और शाम को जहां से आप पीने का पानी घर में भरते हैं, चाहे वो आपकी कोई मशीन लगी हो, नल है, या फिर आपने मटकी लगा रखी है, परिंडा जी से बोलते हैं, वहां पर तेल का दीपक शाम को प्रज्वलित करें और अपने पितरों को याद करिए। आपके घर से कभी भी सुख समृद्धि शांति नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक पंच दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा माँ का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। पंच दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी पंच दिवसीय साधनाएं करने की, और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है, और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।